नमस्कार, आज तक एआई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एआई एंकर सना। मैं आपको बताऊंगी एआई और टेक वर्ल्ड की बड़ी खबरें। काशी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार भाषण के दौरान एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। उन्होंने ट्रांसलेशन सिस्टम भाषिणी के जरिए सभा में पहुंची तमिल जनता से सीधा संवाद किया। मोदी ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के दो दिवसीय दौरे के पहले दिन द्वितीय काशी तमिल संगमम कार्यक्रम की शुरुआत की। पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत में ही तमिल जनता से ईयरफोन लगाने का अनुरोध कर लिया था। उन्होंने कहा, हर हर महादेव, वणक्कम काशी, वणक्कम तमिलनाडु। जो लोग तमिलनाडु से आए हैं, मैं उन लोगों से पहली बार एआई तकनीक के इस्तेमाल के दौरान ईयरफोन लगाने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने बीच में एक बार फिर जनता से पुष्टि की। उन्होंने पूछा, क्या ये ठीक है तमिलनाडु के मित्रों, क्या ये ठीक है? क्या आप इसका लुत्फ उठा पा रहे हैं? ये मेरा पहला अनुभव है, भविष्य में मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। आपको मुझे प्रतिक्रिया देनी होगी। अब मैं हिंदी में बात करूंगा, ये तमिल में जवाब देने में मेरी मदद करेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को देश के उभरते आईटी हॉटस्पॉट के तौर पर स्थापित करने के लिए नादिरगंज क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी गई है। लखनऊ में एआई सिटी के विकास के लिए सीएम योगी के दिशा निर्देश में एक विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है, जिसको क्रियान्वित करते हुए यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीएलसी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूपीएलसी द्वारा इस मकसद से यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के अंतर्गत दिग्गज रियल स्टेट डेवलपर कंपनियों व एजेंसियों से शहर के डिजाइन विकास अव संचालन के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के जरिए आवेदन मांगे गए हैं। बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन ने रविवार को सब इंस्पेक्टर्स के 1275 पदों के लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के दौरान नकल रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में लगभग 6.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बीपीएसएसएससी के अध्यक्ष के एस द्विवेदी ने कहा, एआई पावर्ड सिस्टम्स परीक्षा के दौरान छात्रों पर नजर रखने के लिए चेहरे की पहचान, आंखों की ट्रैकिंग भी कर सकता है। अलग अलग क्षेत्रों की भारतीय कंपनियां अपने एआई इनिशिएटिव्स को लीड करने के लिए मिड और सीनियर लेवल प्रोफेशनल्स तलाश रही हैं। आईटी, रिटेल, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग और टेलीकॉम सेक्टर्स में ऐसे पेशेवरों की भारी डिमांड है। इस क्षेत्र में पेशेवरों की कमी की वजह से एआई रोल्स में मिड लेवल पोस्ट की सैलरी 50 से 60 लाख रुपए से शुरू हो सकती है, जबकि सीनियर प्रोफाइल्स के लिए ये सैलरी 1.5 करोड़ के पैकेज तक जा सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, कारोबार को बदलने और अच्छी बढ़त हासिल करने के लिए एआई पेशेवरों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। आपको ये पेशकश कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक एआई।